हेलो गाइस, टुडे इज आवर टॉपिक इन्फ्लुएंस लाइन एंड इफेक्ट ऑफ इन्फ्लुएंस लाइंस। तो इन्फ्लुएंस लाइंस होती क्या है? तो इन्फ्लुएंस लाइंस एक कर्व है, ग्राफ है, जो किसको रिप्रेजेंट करता है, जो शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट और रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। अब ये शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट किसकी वजह से आते हैं? तो एक्चुअल में किसी भी स्ट्रक्चर के ऊपर अगर अपन बात करें रोलिंग लोड की, तो रोलिंग लोड किसी स्ट्रक्चर पर आते हैं तो उनकी इंटेंसिटी डिफरेंट डिफरेंट होती है, लेकिन उस एक सिंगल लोड की वजह से अपन पूरे स्ट्रक्चर को ऊपर एक साथ एनालिसिस नहीं कर पाते कि कहाँ पे शेयर फोर्स आ रहा है, कहाँ बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, क्योंकि वो लोड कंटिन्यू क्या करते रहते हैं, आपके मूव करते रहते हैं। तो इसके इफेक्ट को बताने के लिए हम इन्फ्लुएंस लाइन कॉन्सेप्ट यूज़ में लेते हैं। इन्फ्लुएंस लाइन में हम मान के चलते हैं कि किसी स्ट्रक्चर पे अगर अपन यूनिट लोड लगाएं, तो उस यूनिट लोड की वजह से वो यूनिट लोड उसके ऊपर कंटिन्यू मूव होता रहेगा, और उस यूनिट लोड की वजह से स्ट्रक्चर के ऊपर शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट जनरेट होंगे। किसी जगह कम जनरेट होंगे, किसी जगह ज़्यादा जनरेट होंगे। एक्चुअल में जो जहाँ लोड की पोजिशन होगी, वहाँ पर शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और जहाँ पे लोड की पोजीशन अगर किसी सेक्शन से दूर होगी तो उसका इफेक्ट वहाँ पे कम पड़ेगा। तो ये उस इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है कि एक लोड की वजह से जो कंटिन्यू मूव कर रहा है, उसकी वजह से अलग अलग पोजीशंस के ऊपर, अलग अलग सेक्शंस के ऊपर शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का कितना कितना इफेक्ट पड़ेगा। इसी को अपन क्या कहते हैं, इन्फ्लुएंस लाइन्स कहते हैं। ओके, तो इन्फ्लुएंस लाइन की जैसे इसमें डेफिनेशन दे रखी है आपकी, ए कर्व और ग्राफ दैट रिप्रेजेंट ए फंक्शन। तो यहाँ पर फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं? यहाँ पर फंक्शन हो गए आपके रिएक्शंस हो सकता है, आपका यहाँ पर फंक्शन शेयर फोर्स हो सकता है, फंक्शन आपका बेंडिंग मोमेंट हो सकता है, ठीक है। ये किसी स्ट्रक्चर के अंदर जनरेट होते हैं, किसकी वजह से? यूनिट लोड की वजह से, फॉर वेरियस पोजिशन ऑफ यूनिट लोड की, यूनिट लोड के अलग अलग पोजिशन की वजह से ये जनरेट होते हैं। तो इनको रिप्रेजेंट करने का जो ग्राफ होता है, जो कर्व होता है, उसी को अपन क्या कहते हैं, इन्फ्लुएंस लाइन कहते हैं। और इनके जो शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो बनते हैं यूनिट लोड की वजह से, उन्हीं को हम इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अपन लेते हैं कि इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम अपन बना रहे हैं कि सिंपली सपोर्टेड स्पान के लिए। एक सिंपली सपोर्टेड स्पान है जिसकी लेंथ कितनी है आपकी, एल है, और इसके ऊपर एक डब्लू लोड आपका पॉइंट लोड, कंसंट्रेटेड लोड क्या कर रहा है आपका, सिंगल लोड क्या कर रहा है आपका, मूव कर रहा है। ये लेफ्ट से राइट भी मूव हो सकता है और राइट से लेफ्ट भी मूव हो सकता है। ये जिस तरफ लोड मूव करेगा उस तरफ आपका शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और जिधर ये इफेक्ट कम डालेगा, मतलब जिस साइड में इसकी पोजीशन नहीं होगी, वहाँ पे इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा आपका, कम पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं शेयर फोर्स अपन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इन्फ्लुएंस लाइन का यूज़ करके, और इन्फ्लुएंस लाइन कैसे शेयर फोर्स के इफेक्ट को बताता है। फॉर एग्जाम्पल, ये लोड आपका लेफ्ट से मूव होते होते राइट में बी पॉइंट के ऊपर आपका पहुँच गया। जब ये बी पॉइंट पर पहुँचा तो उस केस के अंदर जो भी टोटल लोड ट्रांसफ़र हुआ वो सपोर्ट बी पर ट्रांसफ़र हुआ, और सपोर्ट ए पे कोई ट्रांसफ़र लोड नहीं हुआ। जब सपोर्ट ए पे कोई लोड ट्रांसफ़र नहीं हुआ तो वहाँ पे रिएक्शन कितनी हो जाएगी आपकी, जीरो हो जाएगी। और जितनी भी रिएक्शन होगी वो कौन देगा, सपोर्ट बी देगा, और वो अप्लाइड लोड के इक्वल देगा। इसी लोड को अगर मैं यूनिट कंसिडर कर लूँ तो उसकी वजह से शेयर फोर्स डायग्राम क्या बनेगा, उसी को अपन क्या कहते हैं, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर शेयर फोर्स। अगर इसके अंदर आपका हर सेक्शन के ऊपर दोनों साइड में शेयर फोर्स होते हैं, एक उसके राइट साइड में होता है, एक उसके क्या होता है, लेफ्ट साइड में होता है, तो एक साइड को अपन उसको पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, और एक साइड को अपन क्या कर सकते हैं, उसको नेगेटिव कंसिडर कर सकते हैं। ये डायरेक्शंस के ऊपर है कि एक साइड डायरेक्शन अपवर्ड होती है और एक साइड डायरेक्शन क्या होती है आपकी, डाउनवर्ड होती है। ओके, तो इस फर्स्ट पेज में मैंने आपको इन्फ्लुएंस लाइंस की डेफिनेशन के बारे में बताया, साथ में आपको शेयर फोर्स के ऊपर, शेयर फोर्स कैसे निकलेगा यूनिट लोड की वजह से, और उस यूनिट लोड का क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में बताया। इसके बाद अपन नेक्स्ट पेज देखते हैं। नाउ इन सेकंड पेज अपन देखते हैं कि एक सिंपली सपोर्टेड अपना स्पान है जिसकी लेंथ एल है, और इसके ऊपर एक पॉइंट लोड 1 kN का अप्लाई हो रहा है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कहता कि इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम एक्चुअल में शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ही होते हैं,
लेकिन यूनिट लोड की वजह से जो बनते हैं। ठीक है, तो अपन ने जो लोड W अपन ने कंसिडर किया था उसको अपन ने कितना मान लिया, 1 किलोन्यूटन। अब इस 1 किलोन्यूटन के अकॉर्डिंग अपन रिएक्शन निकाले तो आधे की वैल्यू अपनी 0 होगी और आधे भी कितना हो जाएगा आपका 1 किलोन्यूटन। और उसके अकॉर्डिंग अपन शेयर फोर्स डायग्राम बनाएं तो सपोर्ट ए पे यानी ए पॉइंट पर बात करें तो ए पॉइंट पर आपकी शेयर फोर्स की वैल्यू 0 हो गई क्योंकि वहाँ पर रिएक्शन ही 0 है। लेकिन ऐसे जैसे जैसे लोड आपका बी की तरफ मूव करेगा, लेफ्ट से राइट की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा, तो आपकी शेयर फोर्स की वैल्यू धीरे धीरे क्या होती जाएगी, आपकी इंक्रीज होती जाएगी और बी पॉइंट पे आपको मैक्सिमम शेयर फोर्स की वैल्यू मिलेगी। तो ये मैक्सिमम शेयर फोर्स जो है वो अपन को कहाँ मिल रहा है, बी पॉइंट पे मिल रहा है क्योंकि आपका लोड जो है वो बी की तरफ क्या हो गया, आपका ट्रांसफर हो गया। तो अगर अपन ए से बी की तरफ चलते हैं तो लोड भी ऐसे बी की तरफ मूव हो रहा है तो शेयर फोर्स की वैल्यू भी ऐसे बी की तरफ क्या होगी, आपकी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स की वैल्यू निकाल लेंगे। साथ ही अगर ये लोड आपका राइट से लेफ्ट की तरफ मूव हो, जैसे कि सेकंड केस के अंदर दिखाया गया है इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स, इसके अंदर अगर अपन बात करें तो इसमें आप देखोगे कि जैसे जैसे अपन राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं तो आपका जो शेयर फोर्स है नेगेटिव शेयर फोर्स वो क्या होता जाएगा, आपका इंक्रीज होता जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अभी दो सेक्शन होंगे, एक साइड में आपका शेयर फोर्स पॉजिटिव होएगा और एक साइड में अपन शेयर फोर्स नेगेटिव होएगा। ये डिपेंड करता है डायरेक्शन के ऊपर कि एक साइड में अपन डायरेक्शन अपवर्ड मानते हैं, एक साइड में डायरेक्शन क्या मानते हैं, अपन डाउनवर्ड मानते हैं। किसी भी अगर मेंबर पे बीम पर कोई लोड आता है तो वो इस बीम को बीच में से ब्रेक करने की कोशिश करता है एज ए स्लाइडिंग। वो जो स्लाइडिंग जो होती है उसी को अपन क्या कहते हैं, शेयर फोर्स। तो बिस उस बीम के दो फेस होंगे, एक राइट फेस होएगा और एक लेफ्ट फेस होएगा। तो एक फेस की तरफ उस शेयर फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड होगी और एक फेस में क्या होगी, उसकी डाउनवर्ड होगी। इसलिए अपन एक को पॉजिटिव मानते हैं और एक को नेगेटिव मानते हैं। तो यहाँ पे अपन ने नेगेटिव शेयर फोर्स को जिस तरीके से कैलकुलेट किया कि लोड आपका बी से मूव होते होते ए की तरफ आ गया और ए की तरफ मूव होते होते जब ये ए पर पहुंच गया तो आपकी जो रिएक्शन होगी वो ए पे मैक्सिमम होगी और बी पे कोई रिएक्शन नहीं आएगी। तो बी पे रिएक्शन कितनी हो जाएगी, आपकी 0 आ जाएगी क्योंकि बी पे कोई लोड ही ट्रांसफर नहीं हो रहा। ठीक है, और ए पे सारा लोड ट्रांसफर हो रहा है तो ए पे आपका 1 किलोन्यूटन का लोड ट्रांसफर हो गया। तो ये आपका जो डायग्राम बनेगा ये नेगेटिव डायग्राम बनेगा। ये नेगेटिव पॉजिटिव कुछ चीज़ बस इसी चीज़ को बताता है कि आपका लोड लेफ्ट से राइट मूव कर रहा है या राइट से लेफ्ट मूव कर रहा है, डायरेक्शन अपवर्ड है या डायरेक्शन डाउनवर्ड है। ये शेयर फोर्स की केवल डायरेक्शन को बताता है, इससे वैल्यू में कोई फर्क नहीं आता। ठीक है, आप किसी को एक को पॉजिटिव मान सकते हो, किसी भी एक को क्या मान सकते हो आप, नेगेटिव। अपवर्ड को पॉजिटिव मान सकते हो, डाउनवर्ड को नेगेटिव, या फिर डाउनवर्ड को पॉजिटिव मान सकते हो और अपवर्ड को नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने जब लेफ्ट से राइट मूव करते करते ये बी पे पहुँचा तो उस केस के अंदर हमने इसको पॉजिटिव शेयर फोर्स माना, और जब ये राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करते करते पहुँचा तो उस केस में हमने इसको नेगेटिव माना। ठीक है, तो ये अपना इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम हो गया नेगेटिव शेयर फोर्स के लिए। एक्चुअल में लोड कितना है, 1 किलोन्यूटन थोड़ी है, एक्चुअल में लोड 10, 20 कुछ भी हो सकता है, UDL आ सकता है, किसी भी तरीके का आ सकता है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या कंसिडर किया है, यूनिट लोड। उस यूनिट लोड को पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर अपन क्या करा रहे हैं, मूव करा रहे हैं, और वो शेयर फोर्स के इफेक्ट को बता रहा है, शेयर फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्चुअल वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, शेयर फोर्स के इफेक्ट को बता रहा है। जैसे सेकेंड डायग्राम में आप देखोगे कि ए पे शेयर फोर्स है वो मैक्सिमम होगा और ए से जैसे जैसे अपन बी की तरफ आते जाएंगे तो शेयर फोर्स की वैल्यू क्या होती जाएगी, आपकी कम होती जाएगी। ठीक है, नेगेटिव शेयर फोर्स की वैल्यू कम होती जाएगी। और ए से बी की तरफ आते रहेंगे जैसे फर्स्ट डायग्राम में, तो फर्स्ट डायग्राम में ए से बी की तरफ अपन आते रहेंगे तो पॉजिटिव शेयर फोर्स की वैल्यू क्या होती जाएगी, आपकी बढ़ती जाएगी, और नेगेटिव शेयर फोर्स की वैल्यू क्या होती जाएगी, आपकी कम होती जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन्फ्लुएंस लाइन से शेयर फोर्स के इफेक्ट को बता सकते हैं कि कहाँ पे ज़्यादा होगा कहाँ पे कम होगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पेज में अपन बताएंगे बेंडिंग मोमेंट का इफेक्ट बताएंगे कि शेयर इन्फ्लुएंस लाइन का बेंडिंग मोमेंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस लाइन का यूज़ करके अपन बेंडिंग मोमेंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन देखते हैं इसके अंदर कि अपना इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, तो सेम पोजीशन है कि लोड आपका लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर सकता है या राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर सकता है। तो माना ये अपना कोई लोड 1 किलोन्यूटन का सेक्शन में किसी डिस्टेंस एक्स पर
लेफ्ट सपोर्ट से किसी डिस्टेंस एक्स के ऊपर कोई 1 किलोन्यूटन का लोड लग रहा है, एक्चुअल में 1 किलोन्यूटन का लोड नहीं है लेकिन इस 1 किलोन्यूटन का लोड लग रहा है, और इस 1 किलोन्यूटन के लोड की वजह से कहाँ पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, कहाँ पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कम होगी। तो आप देखते हो इस डायग्राम में कि सी पॉइंट के ऊपर आपका 1 किलोन्यूटन का लोड लग रहा है तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा, यानी इसके बेंड होने के चांसेस सबसे ज़्यादा कहाँ से होंगे, इसी पॉइंट पर होंगे। और इसके लेफ्ट में चलेंगे या इसके राइट में चलेंगे तो इसके बेंडिंग के चांसेस क्या होंगे आपके, कम होंगे। क्यों? क्योंकि लेफ्ट की तरफ चलते हैं तब भी इसको आगे की तरफ सपोर्ट मिल रहा है, और राइट की तरफ चलते हैं तब भी इसको आगे की तरफ क्या मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। तो इसके बेंडिंग के चांसेस जैसे जैसे लेफ्ट और राइट की तरफ अपन मूव करेंगे कम होंगे, और सी पे इसके बेंडिंग के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट भी कहाँ मिलेगा आपको, सी पे मिलेगा। तो अपन ने 1 किलोन्यूटन के लोड को मान लिया सी पे, ये अब ये पोजीशन आपकी चेंज हो सकती है ना, इसीलिए अपन ने इसको किससे रिप्रेजेंट किया है, इस डिस्टेंस को एक्स से बताया, और एक्स क्या है यहाँ पे, वेरिएबल है, ठीक है। अगर मैं लेफ्ट से इसको एक्स डिस्टेंस के ऊपर 1 किलोन्यूटन के लोड को कंसिडर कर रहा हूँ तो बी तक जाते जाते आपकी लेंथ कितनी हो जाएगी, टोटल एल हो जाएगी, ओके। तो इस तरीके से अगर अपन 1 किलोन्यूटन लोड को इसको ऊपर रखा और उसकी वजह से अपन ने क्या निकाली, रिएक्शंस निकाली, तो रिएक्शंस आर आपकी आई एल माइनस एक्स अपॉन एल, और आर बी आई आपकी एक्स अपॉन एल। इस तरीके से अपन ने ये रिएक्शंस निकाल लिए, और इन रिएक्शंस की वजह से और इस लोडिंग की वजह से हमने सी पॉइंट के ऊपर क्या निकाला, आपका बेंडिंग मोमेंट निकाला। तो ये 1 किलोन्यूटन के लोड की वजह से सी पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी, ये डायग्राम ये प्रेजेंट करता है, लेकिन वो वैल्यू कितनी होगी वो एक्चुअल लोड डिसाइड करेगा। इससे हमें ये पता चलता है कि इफेक्ट कहाँ पे मैक्सिमम होगा, इफेक्ट सी पे मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो यूनिट लोड की वजह से हमने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो बनाया है ये इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम कहलाएगा आपका, किसके लिए, बेंडिंग मोमेंट के लिए, ओके। और इसके अंदर ये जो वर्टिकल जो डिस्टेंस होती है किसी भी इन्फ्लुएंस डायग्राम की, उसको अपन क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं। और किसी भी सेक्शन के ऊपर किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अगर अपन को बेंडिंग मोमेंट या शेप फोर्स की वैल्यू निकालनी हो तो उस लोड को, जो भी पॉइंट लोड उसके ऊपर लग रहा है, उस लोड को उस ऑर्डिनेट से क्या करते हैं अपन, मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो ऑर्डिनेट आया है ये 1 किलोन्यूटन की वजह से आया है, यानी 1 किलोन्यूटन की वजह से कितना बेंडिंग मोमेंट आएगा या कितना शेप फोर्स आएगा वो हमें ये डायग्राम शो कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में लोड क्या है, जो है एक्चुअल में लोड 10 किलोन्यूटन, 20 किलोन्यूटन, 30 किलोन्यूटन होगा। तो इस ऑर्डिनेट को जो कि 1 किलोन्यूटन के लोड की वजह से आया है, इस ऑर्डिनेट को हम एक्चुअल लोड से क्या करेंगे, अपन मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो एक्चुअल लोड की वजह से आपका क्या आ जाएगा, बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स की वैल्यू आ जाएगी उस पर्टिकुलर पॉइंट, उस पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर, ठीक है। इसी तरीके से यूडीएल हो सकता है, तो यूडीएल अपन को पता है किसी लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो किसी लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट होता है तो इस लेंथ के नीचे आपका इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम का एक पर्टिकुलर क्या होएगा, एरिया होएगा। तो जब अपन किसी लोड यूडीएल की वजह से, किसी यूडीएल की वजह से बेंडिंग मोमेंट और शेप फोर्स की वैल्यू निकालेंगे तो अपन देखेंगे कि वो यूडीएल कितनी लेंथ कवर कर रहा है किसी स्ट्रक्चर के ऊपर, उस स्ट्रक्चर के ऊपर जो जितनी लेंथ वो कवर कर रहा है उस लेंथ के नीचे का जो एरिया है उससे हम उस यूडीएल को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और उस यूडीएल की वजह से उस पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर कितना बेंडिंग मोमेंट आ रहा है या कितना शेयर फोर्स आ रहा है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। तो आई होप कि आपको ये तीनों पेज और ये सब समझ में आ गया होगा, ठीक है।